Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In this video we will continue standard 6 mathematics, that is chapter number 1, number system. So in today's class we will continue chapter 1, exercise 1D. Okay, so example number 7. Three different tanks contain 54,937 liters, 49,328 liters, and 1,07,244 liters of water. What is the total quantity of water in the three? So question is तरह से कुछ है कि तीन different tanks हैं, जिसमें first tank का capacity दिया हुआ है. हमारा जो फर्स्ट टैंक है उसका कैपेसिटी लिखा है 54,937 लीटर्स. जो हमारा सेकेंड टैंक है उसका कैपेसिटी दिया है 49,328 लीटर्स. और जो हमारा थर्ड टैंक है, थर्ड टैंक, इसका कैपेसिटी दिया है 1,07,244 लीटर्स ऑफ वाटर. अब हम ये बोल रहा है कि तीनों टैंक का टोटल क्वांटिटी बताना है, कि तीनों टैंक में आपका टोटल वाटर का क्वांटिटी कितना है ये हमको निकालना है. तो बहुत ही सिंपल है, क्या करेंगे, सबको हम ऐड कर देंगे. तो हम यहाँ लिखेंगे टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर इन थ्री टैंक्स. टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर इक्वल टू क्या करेंगे, तीनों को ऐड कर देंगे. 7 + 8 = 15. सेवन प्लस एट फिफ्टीन, फिफ्टीन प्लस फोर नाइनटीन, कैरी वन, फोर और टू सिक्स, सिक्स और फोर टेन, कैरी वन, टेन एंड थ्री थर्टीन, थर्टीन और टू फिफ्टीन, कैरी वन, फाइव एंड नाइन फोर्टीन, फोर्टीन और सेवन ट्वेंटी वन, कैरी टू, 5 to 7, 7 and 4, 11, 11 + 0 = 11, carry 1, 1, 1, 2. It means 2,11,509 liters. This is your answer. This is the solution for the example number 7. Now let's proceed. Example number 8. The weight of one bag of wheat is 98 kg, 450 g, and the weight of another bag of wheat is 106 kg, 928 g. What is the total weight of both the bags? एक मतलब wheat का bag है, उसका weight दिया है 98 kg, 450 g. Weight of first bag of wheat कितना दिया है, 98 kg, 450 g. और जो आपका सेकेंड बैग है, वेट ऑफ सेकेंड बैग ऑफ वीट, ये दिया हुआ है 106 kg एंड 928 g. अब हमें दोनों बैग का टोटल वेट निकालना है. तो कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल तरीके से बनाएंगे. यहाँ पर लिख देंगे किलोग्राम और यहाँ पर लिख देंगे ग्राम. फर्स्ट वाले केस में 98 kg और आपका 450 g दिया हुआ है. सेकेंड वाले केस में 106 kg
और आपका 928 ग्राम दिया हुआ है, इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 0 प्लस 8 8, 5 प्लस 2 7, 9 प्लस 4 13 का 3 कैरी वन आया, 8 6 14 और 1 15, ओके 9 1 10 का 0 एंड 1 1 2, इट मींस सो आंसर इज टोटल वेट ऑफ बोथ बैग्स इक्वल टू 205 किलोग्राम 378 ग्राम, दिस इज योर आंसर। ओके तो ये आपका एग्जांपल नंबर 8 हो गया। इसमें हमें फर्स्ट बैग का वेट दिया था, सेकंड बैग का वेट दिया था, अब हमको दोनों बैग्स का टोटल वेट पूछ रहा था, तो हमने क्या किया, दोनों को ऐड कर दिया। ठीक है, तो एग्जांपल नंबर 8 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग सीखेंगे एग्जांपल नंबर 9। इन अ डिपार्टमेंटल स्टोर द सेल ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर वीक वॉज रुपीज 385,476 एंड द सेल ड्यूरिंग द फॉलोइंग वीक वॉज रुपीज 407,235। नंबर ए, वॉट वॉज द टोटल सेल ड्यूरिंग दीज टू वीक्स। नंबर बी, ड्यूरिंग विच वीक वॉज द सेल ग्रेटर एंड बाय हाउ मच। दिया एक डिपार्टमेंटल स्टोर है, उस डिपार्टमेंटल स्टोर में किसी वीक का सेल दिया हुआ है 385,476 रुपीज़ का, और जो उसका फॉलोइंग मतलब उसका जो नेक्स्ट वीक आने वाला है, ठीक है, वो दिया है, उसमें सेल दिया है 407,235 रुपीज़। ओके तो व्हाट वाज़ द टोटल सेल ड्यूरिंग दीज टू वीक्स, दोनों वीक्स का टोटल सेल निकालना है, और हमें बाद में निकालना है कि आपका कौन सा वीक में सेल ज़्यादा हुआ और कितना सा हुआ, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये लिखेंगे कि सेल ड्यूरिंग फर्स्ट वीक, सेल ड्यूरिंग फर्स्ट वीक इक्वल टू व्हाट, रुपीज 385,476, सेल ड्यूरिंग नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक और वी कैन से सेकेंड वीक, सेल इज रुपीज 407,235। अब हमें क्या करना है, दोनों वीक का टोटल सेल निकाला, तो लिखेंगे टोटल सेल ड्यूरिंग टू वीक्स, ड्यूरिंग टू वीक्स, दोनों को ऐड कर देंगे, 6 प्लस 5 11 कैरी 1, 8 और 3 11 कैरी 1, 5 और 2 7, 5 एंड 7 12, 9 और 0 9 एंड 4 3 7, इट मीन्स 792,711 रुपीज, ये दो वीक का सेल निकल गया। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम सेकेंड पार्ट निकालेंगे। सेकेंड पार्ट में बोला गया कि जो आपका किस वीक में सेल ज़्यादा हुआ वो हमें निकालना है, और साथ ही साथ ये भी बताना कि कितना से ज़्यादा हुआ। तो अगर दोनों को कंपेयर करें तो सेकेंड वीक में सेल ज़्यादा हुआ, तो हम लिखेंगे रुपीज 407,235 इज ग्रेटर देन रुपीज 385,476। ये हमने पता कर लिया दोनों में किस में ज़्यादा है, सेकेंड वीक का ज़्यादा है, मतलब नेक्स्ट वीक का ज़्यादा है, यानी ये बड़ा है और ये छोटा है। अब कितना से ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे 407,235 385,476, और इn दोनों को आपस में माइनस कर देंगे। 15 माइनस 6 9, 12 माइनस 7 5, 11 माइनस 4 7, 6 माइनस 5 1, देन ये 9 माइनस 8 1, ओके दैट्स इट। इट मीन्स वेट मिनट, दिस इज 10 माइनस 8 2, दिस इज 2 नॉट 1 बाय मिस्टेक,
I have written. So right answer is 21,759 rupees. यानी कि सेकेंड वीक में कितना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा अमाउंट जो है एक्स्ट्रा सेल हुआ. तो दिस इज योर आंसर फॉर सेकेंड पार्ट. ठीक है, तो हमने ये कंप्लीट कर लिया एग्जांपल नंबर 9. मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि एक डिपार्टमेंटल स्टोर है, उसमें एक पर्टिकुलर वीक का सेल दिया हुआ है 385,476. उसके अगले वीक का या नेक्स्ट वीक का जो सेल है वो 407,235 है. हमको दोनों वीक का टोटल सेल निकालना था, तो दोनों को ऐड कर दिया, हमारा आंसर आ गया जो कि 792,711 है. और उसके बाद हमें बताना था सेकेंड पार्ट में कि किस वीक में ज़्यादा सेल हुआ. तो सेकेंड वीक में ज़्यादा सेल हुआ, यानी दोनों में बड़ा कौन है, तो 407,235 इज ग्रेटर देन 385,476. कितना से ज़्यादा है, तो हमने क्या किया, बड़े में से छोटे को माइनस कर दिया. यानी कि 407,235 में से 385,476 को क्या कर दिया, माइनस कर दिया, हमारा आंसर आ गया. ठीक है, तो ये हमने एग्जांपल नंबर 9 कंप्लीट कर लिया. लेट्स प्रोसीड टू एग्जांपल नंबर 10 देखते हैं. इफ ए इक्वल टू 48,497 बी इक्वल टू 7,328 एंड सी इक्वल टू 133,224. फाइंड नंबर 1, यानी ए बी सी का वैल्यू दिया हुआ है और हमें ए प्लस बी, सी माइनस ए और बी प्लस सी निकालना. तो पहले ए प्लस बी निकालेंगे, ए प्लस बी निकालेंगे. तो ए का वैल्यू कितना दिया है, 48,497. प्लस का साइन देंगे, बी का वैल्यू दिया है 7,328. अब इनको ऐड कर देंगे, 7,815 5 कैरी 1, 10 और 2 12 का 2 कैरी 1, 5 और 3 8, 8 और 7 15 कैरी 1, 415. इट मींस राइट आंसर इज 55,825. दिस इज योर फर्स्ट आंसर. नाउ सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट इज सी माइनस ए. सी माइनस ए, सी इज वॉट 133,224 माइनस ए इज वॉट 48,497 मीन्स 14 माइनस 7 इज 7 कैरी नो मीन्स इट मीन्स बोरो 14 माइनस 7 7 11 माइनस 9 2 then 11 minus 4 7 and then 12 minus 8 4 then 2 12 minus 4 8 it means what it means 84,727. This is your second answer. Now third one is we have to calculate b plus c. B is what, b is 7,328 plus c is what, 133,224. After adding, let's see what will be the answer. 8 plus 4, 12, 2, carry 1, 3 and 2, 5, 3 and 2, 5, 7 and 3, 10, 3 and 1, 4, and this is 1. It means 140,552. This is your answer. तो इस क्वेश्चन में बस ए बी सी का वैल्यू दिया हुआ था, हमें ए प्लस बी निकालना है था, सी माइनस ए और बी प्लस सी निकालना था. इस तरह से हमने निकाल लिया और हमारा आंसर आ गया. ठीक है, एग्जाम क्वेश्चन नंबर 11 इज कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल इज रुपीज 57,390 व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 275 सच आर्टिकल्स. यानी कि एक आर्टिकल का कॉस्ट हमें दिया है, यानी लिखेंगे कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल. वन आर्टिकल का कॉस्ट हमें दिया है 57,390. अब हमें बोल रहा है कॉस्ट ऑफ 275 आर्टिकल्स निकालना है, यानी एक आर्टिकल का कॉस्ट हमें दिया है तो 275 का निकालना है. देखिए ये यूनिटरी मेथड से बनाएंगे, तो वन से मेनी पर जा रहे हैं, तो वन से मेनी पर जाते हैं तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे. ये हो जाएगा 57,390 मल्टीप्लाई 275.
अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे फटाफट, 5 7 3 9 0 और 275 को मल्टीप्लाई करना है। एक प्लस आप लोग भी सीख लीजिए फटाफट कैसे मल्टीप्लाई होता है। 5 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 10 हो गया। फिर उसके बाद इन दोनों से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 2 14 और 7 5 35 और 4 होता है 39, 39 और 10 49, 49 का 9 लिख देंगे, यहाँ पर 4 लिख देंगे। उसके बाद इन 3 डिजिट्स को इन 3 डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 6 7 7 49 49 और 6 होता है 56, 49 और 6 हो गया, एक मिनट, 3 3 3 2 6 और 7 7 49 49 और 6 हो गया 55 और देन 25, 5 5 25 तो 55 और 560 और 20 80 का 0 यहाँ लिख देंगे, यहाँ पर 8 लिख देंगे। उसके बाद इन तीनों डिजिट को इन तीनों डिजिट से करेंगे तो 9 2 18 फिर देन 7 3 21 एंड 18 तो 21 और 8 हो गया आपका 29, 29 और 3 हो गया 39, 39 हो गया। नाउ 39 और 7 7 5 35 तो 39 और 35 तो 39 और 1 40, 40 और 34 74 का 4 लिख देंगे, यहाँ पर 7 लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इन तीनों डिजिट को 390 को 275 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 इंटू 2 0, 9 7 63 और 5 3 15 तो 63 और 15 कितना हो जाएगा चेक कर लीजिए, 63 और 5 होता है आपका 68 और 10 78 का 8 लिखेंगे, यहाँ पर 7 लिखेंगे। उसके बाद जो है इन दो डिजिट को लास्ट के दो डिजिट से करेंगे तो 7 × 0 0 9 5 30 45 का 5 और ये 4 हो गया। नाउ ये आपका हो जाएगा 0, सो 0 फिर बाकी सब कुछ और दीजिए 0 5 8 4 12 का 2 एंड 7 4 11 11 1 12 का 2 ओके 7 1 8 9 8 17 का 7 और 14 1 15 1 5 7 8 2 एंड 2 5 0 सो दिस इज योर आंसर। सो यहाँ पर हम लिख देंगे अब 1 crore 57 lakhs 82,250 दिस इज योर आंसर। इतना रुपीज दिस इज योर 1 crore 57 lakh 82,250 rupees इज द आंसर। क्या किया, एक आर्टिकल का कॉस्ट हमें दिया था, 275 आर्टिकल्स का कॉस्ट हमें निकालना था तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे फटाफट, ठीक है, मल्टीप्लाई आप लोग को बेसिक भी आता है और ये मैंने अपना तरीका से किया थोड़ा जल्दी करने के लिए। तो हमारा आंसर आ गया 1 crore 57 lakhs 82,250। तो ये आपका हो गया। एग्जाम्पल नंबर 12 देखिए, इन एन एग्जामिनेशन अ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड 40,327 बाई 46 इंस्टेड ऑफ 64 By how much was his answer greater than or less than the correct answer? यानी एक एग्जामिनेशन है, उसमें एक स्टूडेंट को मल्टीप्लाई करना था 40,327 को 46 से, मतलब कि करना था 64 से, बट उसने कर दिया 46 से, ठीक है। तो कौन सा आंसर जो है वो ग्रेटर होगा या लेस होगा, ठीक है, ये हमको निकालना है और कितना से, ठीक है, ये हमको निकालना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले हम तो क्या निकालेंगे, इनकरेक्ट आंसर निकालेंगे, इनकरेक्ट आंसर निकालेंगे। तो इनकरेक्ट आंसर हमें क्या मिलने वाला है, हमें नंबर था 40,327, इसको मल्टीप्लाई करना था कितना से, 46 है, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 6 कितना होता है, 7 6 होता है 42, 6 2 12 और 4 होता है आपका 16 और 6 3 18 और 1 होता है 19 और उसके बाद 6 4 हो गया 24, ठीक है। उसके बाद 7 4 28 हो गया, 4 2 8 और 2 आपका 10 हो गया, 4 3 12 1 13 हो गया और ये 1 और 4 4 16 हो गया, इनको ऐड कर दीजिए 2 8 6 14 का 4 9 1 10 3 1 4 1 5 4 1 5 देन 6 2 8 एंड दिस इज 1 सो 1 8 55 042 ये हमारा आ गया, ये इनकरेक्ट आंसर आया। अब करेक्ट आंसर निकालेंगे, करेक्ट आंसर कैसे निकालेंगे,
एक्चुअली हमें करना था 64 से मल्टीप्लाई, बट हमने गलती से 46 से कर दिया, तो करेक्ट आंसर क्या निकलेगा, 40,327 को कितना से मल्टीप्लाई करना था, 64 से। चलिए कीजिए, 7 4 जा 28, 4 2 जा 8, 8 और 2 10 हो गया, कैरी बचा 1, 4 3 जा 12, 12 और आपका 1, 13 का 3 और यहाँ पर 1, 4 4 जा 16 हो गया, 7 6 जा 42 हो गया। ओके, फिर ये ऑनलोडिंग हम लोग कर चुके हैं, तो यहाँ पर 2, देन फिर 6, फिर देन 9, फिर 1, फिर 4 और फिर 2, 2 4 1 9 6 2, इसको क्या करना है, ऐड कीजिए, 8 ये 2, 6 3 9 9 1 10 का 0, ये 6 1 7 और 1 8, 4 1 5 और ये 2, इट मीन्स 225,80,928 आ गया, ये हमारा करेक्ट आंसर आया। अब हमसे लास्ट में पूछा कि कितना जो हमारा, मतलब कि बाई हाउ मच वॉज हिज आंसर ग्रेटर देन और लेस देन द करेक्ट आंसर, यानी जो इनकरेक्ट वाला है ना, वो करेक्ट वाला से कितना कम या ज़्यादा है, तो हमको साफ साफ दिख रहा है ये नंबर जो है ग्रेटर है और ये स्मॉलर है, तो इनकरेक्ट आंसर कितना कम है इससे, वो हमको निकालना है, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे, अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो सिंपल 225,80,928 में से माइनस कर देंगे 18,55,042 को माइनस कर देंगे, तो माइनस कर दीजिए, जब माइनस कीजिएगा तो 8 - 2 6, 12 - 4 8, 8 का 8, 10 - 5 5, देन 7 - 5 2 एंड देन 15 - 8 7, इट मीन्स योर आंसर शुड बी 7,25,886, दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो ये हो गया आपका, इसमें यही था कि एक एग्जामिनेशन में एक स्टूडेंट को मल्टीप्लाई करना था 40,327 को 64 से, बट कर दिया गलती से 46 से, तो पहले इनकरेक्ट आंसर निकाला, फिर करेक्ट आंसर निकाला, फिर दोनों में पूछा कि बताइए कि जो इनकरेक्ट आंसर आया वो करेक्ट आंसर से कितना कम या कितना ज़्यादा है, तो करेक्ट आंसर बिल्कुल सही है, बहुत ज़्यादा है, इनकरेक्ट वाला कम था, तो करेक्ट में से इनकरेक्ट को माइनस कर दिया, तो हमारा इतना आंसर जो है आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। देखिए क्या दिया हुआ है, ₹82,804 इज डिवाइडेड इक्वली अमंग 326 पुपिल्स, हाउ मच विल ईच गेट, यानी कि 82,804 रुपीस को इक्वल डिवाइड करना है 326 पुपिल में, तो हर को कितना मिलेगा, यानी एक एक पुपिल को कितना मिलेगा, ये हमें निकालना है, ठीक ना। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, हम इसको बिल्कुल यूनिटरी मेथड से निकालेंगे, लिखेंगे पुपिल्स इक्वल टू रुपीज 82,804। तो जब हम वन पुपिल का निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ये देखो यूनिटरी मेथड में वन से मेनी पर जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, और जब मेनी से वन पर आते हैं तो डिवाइड करते हैं, इट मीन्स 82,804 डिवाइडेड बाय 326 करेंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए आप चाहते हैं मतलब कि आप चाहे तो इसको छोटा कर सकते हैं, तो आप इसको छोटा कर दीजिए, देखिए जब आप इसको 2 से कैंसिल कीजिएगा तो ये कटेगा आपका 1, फिर ये आपका 6, ओके, और ये फिर आपका 3, 163 टाइम्स कटेगा, ठीक है। और जब आप इसको 2 से काटिएगा तो ये कटेगा 4 1 4, 0 और 2 टाइम्स कट गया, 6 3 अनवांटेड, अब नहीं कटने वाला है। अब क्या कीजिए, 163 से 4 1 4, 0 2 को क्या कीजिए, डिवाइड कीजिए, जब आप डिवाइड कीजिएगा तो ये आप 2 टाइम्स ले जाइए तो ये हो जाएगा आपका 326 हो जाएगा, ओके। तो 4 - 6 हो जाएगा 8, 10 - 2 हो जाएगा 8, ठीक है, और फिर 0 नोट करेंगे। अब 16 5 जा कीजिए, तो 5 3 जा 15 होता है और 16 5 जा 80 होता है, 80 और 1 81 होता है, 10 - 5 5 हो गया, 7 - 1 आपका 6 हो जाएगा, ओके, एंड देन ये 2। अब इसको क्या करेंगे, हम इसको 4 टाइम्स करेंगे, जब आप इसको 4 टाइम्स कीजिएगा तो 4 3 जा 12 होता है और 16 4 जा 64 1 65 होता है, आपका आ गया
सो आपका राइट आंसर हो जाएगा 254 रुपीस, यानी हर पुपिल को कितना मिलेगा, 254 रुपीस मिलेगा। यस इज योर राइट आंसर। अब हम लोग आते हैं एग्जांपल नंबर 14। एग्जाम्पल नंबर 14 में क्या करना है, लिखा है नंबर वन एड 525469 एंड 273459 ऐड करना है, फर्स्ट पार्ट में ऐड करना है, तो सिंपली ऐड कर देते हैं 525469 लिखा हुआ है और नीचे एक नंबर है 273459 है, इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। 9918 का 8, 7 और 512 का 2, 5 और 4 9, 5 3 8, 7 2 9 एंड 5 2 7, दिस इज आवर आंसर। इट मीन्स 798928 इज द आंसर। सेकेंड पार्ट में क्या बोला है, सब्ट्रैक्ट 736940 फ्रॉम 978453। ओके, तो इस सब्ट्रैक्ट वाले में जो फ्रॉम के बाद दिया है उसको आगे रखेंगे और जो पहले दिया उसको बाद में रखेंगे, तो 978453 इसमें से माइनस करना है 736940 को, माइनस कर देंगे 3 माइनस 0 3, 5 माइनस 4 1, 14 माइनस 9 5, 7 माइनस 6 1 एंड देन दिस इज 6, सॉरी दिस इज 7, 7 माइनस 3 4 एंड 9 माइनस 7 2, इट मीन्स 241513 इज द राइट आंसर। नाउ थर्ड नंबर में हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, किसको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई 43627 एंड 327, 43627 और इसको मल्टीप्लाई करना है 327 से मल्टीप्लाई करना है। चलिए फटाफट मल्टीप्लाई करते हैं, 77 जा होता है 49, कैरी कितना बचा, 4 बचा, 72 जा 14, 14 और 4 18 होता है, 76 जा 42, 42 और 1 43 होता है, फिर 73 जा 21 और 4 25 होता है, और 74 जा 28, 28 एंड 2 आपका होता है 30, उसके बाद 72 जा 14, 22 जा 4 1 5, 62 जा 12 का 2, 32 जा 6 1 7 एंड 42 जा 8 हो गया, फिर 73 जा 21, 23 जा 6, 6 और 2 8 हो जाएगा, और 63 जा 18 का 8 हो जाएगा, और 33 जा 9 और 1 10 हो जाएगा, और 43 जा 12 हो जाएगा। इन सब को ऐड कर दीजिए 9 8 4 12 का 2, 53 8 1 9 1 10 का 0, कैरी बचा 1, 6 और 2 8 8 8 16 का 6, कैरी बचा 1, 8 7 15 15 और 1 16 का 6, कैरी बचा 1 एंड 11 और 1 12 का 2, 2 1 3, इट मींस योर आंसर इज, वेट यहां पर कुछ गड़बड़ हो गया है, यहाँ पर 4 3 12 1 13 होगा, मैंने यहाँ पर 3 2 लिख दिया बाय मिस्टेक, तो आपका आंसर हो जाएगा 1 4 2 6 6 0 2 9, 1 4 2 6 6 0 2 9 इज द राइट आंसर। ओके, सो ये हो गया आपका। अब इसी में फोर्थ नंबर भी देख लीजिए, फोर्थ नंबर में क्या दिया है, डिवाइड 21945 बाय 385, इट मीन्स हमें 385 से 21945 को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हम इसको सबसे पहले 5 से ट्राई करेंगे, बिकॉज 5 से आपका कुछ नंबर कटने वाला है, मतलब कि कुछ नंबर इसके आसपास आएगा, तो 5 से करेंगे, तो 5 5 ज़ा 25, 8 5 ज़ा 40 और 2 42, और 5 3 ज़ा 15, 15 और 4 आपका होता है 19, 14 माइनस 5 9 हो जाएगा, देन 8 माइनस 2 आपका 6 हो जाएगा, और देन आपका 11 माइनस 9 आपका 2 हो जाएगा, ठीक है, और फिर यहाँ से 5 नोट डाउन कीजिए, फिर उसके बाद अब आप कीजिए, आप 7 टाइम्स कीजिए, जब 7 टाइम्स कीजिएगा तो 7 5 ज़ा 35 हो जाएगा, 8 7 ज़ा 56, 56 और 3 आपका 59 होता है, और उसके बाद 7 3 ज़ा 21, 21 और 5 आप कीजिएगा तो 26 हो जाएगा, ठीक है, ये आपका खत्म हो गया। तो आपका आंसर कितना आ गया, आपका आंसर आ गया 57 इज द राइट आंसर।
ये क्वेश्चन नंबर 14 बहुत सिंपल था। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। द सेल रिसीट ऑफ अ कंपनी ड्यूरिंग अ सर्टेन ईयर वॉज रुपीज 8,73,540 इन द फॉलोइंग ईयर। इट वॉज डिक्रीज्ड बाई 84,670। वॉट वॉज द सेल रिसीट ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग सेकेंड ईयर। मतलब ये किसी कंपनी का सेल रिसीट जो है एक ईयर का आपको दिया है 8,73,540। ठीक है, तो हमें मतलब कि फर्स्ट सपोज दैट हमारा फर्स्ट ईयर का सपोज लेते हैं, तो फर्स्ट ईयर का हमारा सेल रिसीट दिया, तो लिख सकते हैं सेल रिसीट फॉर फर्स्ट ईयर लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट ईयर का हम सेल रिसीट मान लेते हैं जो हमें कितना दिया है 8,73,540 दिया है। ठीक है, और जो सेकेंड ईयर है, सेकेंड ईयर में आपका डिक्रीज हो गया, सेकेंड ईयर में क्या हो गया आपका डिक्रीज हो गया, जो आपका कंपनी का सेल रिसीट है वो डिक्रीज हो गया। कितना से डिक्रीज हो गया, तो आपका डिक्रीज हो गया 84,670 से डिक्रीज हो गया 84,670 से क्या हो गया आपका डिक्रीज हो गया। तब आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि सेकेंड ईयर में कंपनी का सेल रिसीट कितना था, क्या करेंगे, माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस कर दीजिए, जीरो में जीरो गया जीरो, फोर में से सेवन गया सेवन, फोर में से सिक्स गया एट, ट्वेल्व में से फोर जाएगा एट, और ये फिर हो जाएगा सिक्स में से एट जाएगा फोर। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा सेवन, इट मीन्स कुछ मिस्टेक कर दिया, सॉरी 16 में से एट जाएगा आपका एट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो आप चेक कर लीजिए 7,88,870 रुपीज, ये आपका जो होगा ये आपका सेकेंड ईयर का जो है वो सेल रिसीट होगा। तो ये आपका अंधेर फोर करके लिख देंगे, सेल रिसीट ड्यूरिंग सेकेंड ईयर, सेल रिसीट ड्यूरिंग सेकेंड ईयर जब निकालेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 7,88,870 रुपीज। दिस इज योर आंसर। तो एक्चुअली क्वेश्चन जो 15 था इसमें ये था कि कंपनी का सेल रिसीट जो है एक ईयर का 8,73,540 दिया हुआ था। अब सेकेंड ईयर में यानी कि अगले ईयर में क्या हुआ कि वो कंपनी को लॉस हुआ 84,670 का। तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए सेकेंड ईयर में कितना सेल रिसीट होगा कंपनी का, तो इसको क्या करेंगे फर्स्ट ईयर वाले सेल रिसीट से माइनस कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 7,88,000। ठीक है, 800। तो इस तरह से हम लोगों ने एक्सरसाइज 1B का जो भी कॉन्सेप्ट था, जो भी एग्जाम्पल्स था, ये हमने बनाया, ठीक ना, इसको सॉल्व किया। अब आप लोग जो है एक्सरसाइज 1B बनाइएगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसका नाम है एस्टिमेशन। ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन, सो बाय एंड टेक केयर।